फूल गोभी की भी खड़ी हुई है, हमारे पास पात गोभी की खड़ी हुई है, हमारे पास ब्रोकली की खड़ी हुई है, इसके बाद हमारे पास मिर्च की खड़ी हुई है, इसके बाद हमारे पास ये बैगन की खड़ी हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र अनौगी कन्नौज में हम हैं और नई पौध जो तैयार होती है, डॉक्टर साहब बताएंगे एक एक करके किस किस चीज की पौध लगी हुई है। बाकायदा पौध तैयार की जाती है यहाँ पर और ये सर किसानों को मुहैया कराई जाती होगी, तो किस किस चीज सर पौध है यहाँ? ये जो भी हमारे यहाँ ऑफ सीजन, ये पाली हाउस है जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे जनपद कन्नौज को, कृषि विज्ञान केंद्र को ये प्राप्त हुआ है विश्वविद्यालय के द्वारा। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो पाली हाउस है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम असमय जो ऑफ सीजन है उस समय भी हम अगर इसमें समय समय पर रहते हुए जो भी हमारे किसानों की जरूरत के हिसाब से इसमें हम पौध डलवा देते हैं, और वो पौध फिर हम किसानों को एक निर्धारित जो हमारा दर है उसके हिसाब से किसानों को बेचते हैं। आप इस समय देख रहे हैं कि हमारे पास टमाटर की बेल खड़ी हुई है, हमारे पास फूल गोभी की बीज खड़ी हुई है, हमारे पास पात गोभी की खड़ी हुई है, हमारे पास ब्रोकली की खड़ी हुई है, इसके बाद हमारे पास मिर्च की खड़ी हुई है, इसके बाद हमारे पास ये बैगन की खड़ी हुई है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि हमने जो प्याज की नर्सरी डाल रखी है, ये चूंकि हमने इसको अभी करीब दिसंबर में इसको डाला है और ये अभी हमारी करीब एक सप्ताह 10 दिन के बाद ये लगभग हमारे लगाने योग्य हो जाएगी। आप देखते हैं कि बाहर का टेम्परेचर अभी कितना ज्यादा है, कितनी गलन है, पर हम लोग जब इसके अंदर आ गए तो हमारा टेम्परेचर ये लगभग सामान्य लग रहा है। इसलिए जो ये पाली हाउस है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि असमय ऑफ सीजन में जब भयंकर गर्मी होगी तो हम इसको टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जब भयंकर सर्दी है तो उस समय भी हम टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद इसमें नर्सरी का उत्पादन करते हैं विभिन्न प्रजातियों की, जो भी हमारी साग भाजी फसलें हैं उनकी समय पर नर्सरी प्राप्त करके, और ये फिर हम जो हमारे किसान, कुछ हमारे ऐसे भी सम्मानित किसान है जनपद के जो अपना हमें बीज दे जाते हैं, और उनके बीज को जो अपना बीज वैरायटी लाते हैं उसको हम अपने यहाँ उसको ग्रो करते हैं, इनको अपना लगा करके जब उनकी नर्सरी तैयार हो जाती है, अगर वो हमको बीज देते हैं तो हम उनको ₹1 प्रति पौधा की दर से उनको अपना नर्सरी ले जाते हैं और वो हमारे केवीके को उसका पेमेंट कर देते हैं। अगर वो हम बीज भी नहीं देते हैं तो जो हमारी बीज के द्वारा तैयार किया हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो बीज से तैयार है, वो हम एक पौधा ₹2 की दर से किसान को दे करके देते हैं, और इसका जो भी पैसा आता है वो हम इसी अपने केवीके में जो भी एरवाली फंड में डाल करके और इसी को समय पर यूज करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने डॉक्टर साहब से जानकारी ली कि जो समय होता है, जैसे सर्दियों में कोई गर्मियों वाली चीज खाने का अगर मन कर रहा है उसी के लिए प्रयासरत हैं। प्याज की पौध लगी है, टमाटर की लगी है और बंद गोभी की लगी है, अन्य ये इस प्रकार से तैयार करते हैं। तो ये हम जो प्रयास हमारा चल रहा है विज्ञान केंद्र में किस तरीके से पौध तैयार की जाती है, इसके विषय में जानकारी देने का पूरा पूरा प्रयास हो रहा है।